हाय एवरीवन, रूपाली विद एवरीथिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज टेस्टी सी दाल बनाते हैं। सिंपल सी थाली है तो दाल थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुकर में दाल रखेंगे, अरहर की दाल है, उसके साथ रखेंगे ये 3 हरी मिर्च, लहसुन, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक टमाटर कटा हुआ और प्याज कटा हुआ, एक हल्दी पाउडर, साथ में नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसे पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालेंगे। दाल कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और फिर इसे हम दाल को अच्छे से पका लेंगे। पकने के बाद देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। ये अभी गर्म है इसीलिए थोड़ी सी पतली है, जैसे जैसे ठंडी होगी ठीक होती जाएगी। तो हम दाल में अब चलिए छौंक लगा लेते हैं। इसके लिए हम डालेंगे सरसों तेल, इसमें थोड़ा सा रखेंगे हींग और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और हम दाल में छौंक लगा लेते हैं। अब हम चलिए, टेस्टी दाल हमारी बनके तैयार है, तो चलिए अब प्लेट भी लगा लेते हैं। सिंपल सी जब थाली हो उसमें दाल थोड़ा सा आप स्पेशल बनाओगे तो खाने का मज़ा बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले थाली में हम डालेंगे परवल का चोखा, थोड़े से कटे हुए खीरे और 2 चपाती, और यह प्याज की टेस्टी वाली चटनी, साथ में है दाल, अरहर की दाल, और 1 बाउल चावल, और साथ में भिंडी का भुजिया बना है, जो सिंपल सी मेरी थाली है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।